भारत में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं। भारत में नदियों की पूजा की जाती है क्योंकि वे हर जीव की लाइफ लाइन है। भारत की 90% नदी बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है और शेष अरब सागर में चली जाती है। उनकी उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार भारतीय नदियों को हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालयी नदियां हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब हम बात करते हैं भारत में शीर्ष 10 सबसे लंबी नदियों की। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है गंगा नदी। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर है और इसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी नदी। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र है और इसकी भारत में लंबाई 1464 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर आती है यमुना नदी। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है और इसकी भारत में लंबाई 1376 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर आती है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश है और इसकी भारत में लंबाई 1312 किलोमीटर है। नंबर 5 पर आती है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास में है और इसकी लंबाई भारत में 1300 किलोमीटर है। नंबर 6 पर आती है सिंधु नदी, जिसका उद्गम तिब्बत कैलाश रेंज है, जिसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। नंबर 7 पर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम एंगसी ग्लेशियर तिब्बत में है, इसकी भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। नंबर 8 पर आती है महानदी, जिसका उद्गम दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं और इसकी भारत में लंबाई 890 किलोमीटर है। नंबर 9 पर आती है कावेरी नदी, इसका उद्गम ताल कावेरी कर्नाटक में है और ये इसके भारत में लंबाई 800 किलोमीटर है। नंबर 10 पर आती है ताप्ती नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुलताई के पास सतपुड़ा रेंज में है और इसकी भारत में लंबाई 724 किलोमीटर है।